Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum. I am your science teacher Asma Tawassum. I hope you will be fine at home. Today my topic is sense of sight. It is taking from unit number 1, man and environment 1. Upon completion of this lecture, you will be able to get knowledge retina, cornea, iris, lens and optical nerve. Okay student, learning outcome, the student will be discover that we use our senses to learn about the world around us. The students will learn how to protect our eyes and how our eyes can protect us. The student will learn that the eyes and brain work together to see object. Let's start the lecture. सबसे पहले हम सेंस ऑफ साइट में इसका हम मेन ऑर्गन देखेंगे. आई इज आर द सेंस ऑर्गन ऑफ साइट. इसके अंदर सबसे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के एक डायग्राम मौजूद है जिसमें अपर आईलेट और लोअर आईलेट मौजूद है. आई आर द सेंस ऑर्गन ऑफ साइट. ईच आईज आर मूवेबल अपर एंड लोअर पार्ट. जो आईलेट विच प्रोटेक्ट इट, ये क्या करती है, हमारी आईज को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है. द आई बॉल इज ऑफ कंपोज ऑफ 3 लेयर्स, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर. सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इसकी डायग्राम को गौर से देखें. मैं आपको वन बाय वन करके इनकी लेयर्स के बारे में बताऊंगी. आउटर लेयर, आंख का वाइट पार्ट होता है, इसको कहते हैं स्केलरा. इसको क्या कहते हैं, स्केलरा. ओके स्टूडेंट, स्केलरा जो है टियर ग्लैंड्स प्रोवाइड करता है, यानी कि जो आंसू बनाता है वो कौन करता है, स्केलरा. ये आंख के अंदरूनी हिस्से को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि जो आउटर लेयर होती है वो इनर लेयर को क्या करती है कि हिफाजत करती है. जब स्केलरा फ्रंट पर आता है तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, इसको कहते हैं कॉर्निया, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप इसका आया है मिडल लेयर. एक मिडल लेयर जो है एक सर्कुलर कलर डिक्स होती है, या आप कह लें ओपेक डिक्स नज़र आती है, जिसे कहते हैं आयरस, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं. आयरस जो है वो मस्कुलर टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होता है, मस्कुलर टिश्यूज़. और दिस द आयरस इज़ एन ओपेक डिक्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़ कंटेनिंग ब्लड कैपिलरीज एंड पिगमेंट. और ये ब्लड खून की नालियों पे और पिगमेंट्स पर मुश्तमिल होता है. द सेंटर ऑफ द आयरिस कहलाता है पिपल. इसका सेंटर का हिस्सा क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, पिपल. जस्ट बिहाइंड द आई, जस्ट बिहाइंड द पिपल इज अ लेंस विच इज ट्रांसपेरेंट एंड बाई कॉन्वेक्स लेंस. इसके बिल्कुल पीछे, पिपल के पीछे स्टूडेंट्स क्या नज़र आ रहा है, लेंस नज़र आ रहा है, जो कि हम जो कैसा है वो बाई कॉन्वेक्स लेंस. अब स्टूडेंट इसकी इनर मोस्ट लेयर स्टार्ट होती है, कि इनर मोस्ट लेयर जो होती है यानी कि अंदर रेटिना कहलाती है. ये लाइट से सेंसिटिव होती है, लाइट स्क्रीन. ठीक है, अच्छा होता क्या है स्टूडेंट, रेटिना पर रेटिना जो है इमेज को रिसीव करती है, जो लेंस से फोकस होकर आती है. रेटिना मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेंसरी सेल, रॉड सेल एंड कोन सेल. रॉड सेल आर स्टिमुलेट्स बाय डिम लाइट. क्या करता है, किससे स्टिमुलेट होता है, डिम लाइट से. और कोन सेल आर स्टिमुलेट्स बाय ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट से स्टिमुलेट्स होता है. स्टिमुलेट्स क्या होता है, एक ऐसे नर्व सेल होते हैं जो कि मैसेज पहुँचाते हैं किसको, ब्रेन को. किस फ्रेंड्स, लेंस और कॉर्निया के बीच में आप एक सॉल्यूशन देख रहे हैं, वो कहलाता है वाटरी लिक्विड कहलाता है, वो कहते हैं इक्विस सॉल्यूशन. इक्विस सॉल्यूशन जो है वो इक्विस चैम्बर में मौजूद होता है, जो कि लेंस और कॉर्निया के बीच में मौजूद होता है. नेक्स्ट
विट्रस चैम्बर। ओके स्टूडेंट, आप डायग्राम में देख रहे हैं विट्रस चैम्बर, जो लेंस और रेटिना के बीच में एक चैम्बर है। इसमें जेरी लाइट लिक्विड मौजूद होता है। ओके स्टूडेंट, हाउ डू वी सी, हम किस तरह देख सकते हैं। रोशनी की जो रेज होती हैं वो कॉर्निया, इक्वेसुमर, पिपल, लेंस और विट्रोह्यूमर से गुजरती हुई रिफ्लेक्ट होती हैं और इसकी कहाँ जाती हैं, वो रेटिना पे आती हैं और इमेज बनाती हैं। ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं रेटिना पे जो इमेज बन रही है वो उस प्लांट की उल्टी इमेज है। ठीक है, कहते हैं इनवर्ट इमेज बनी है और स्मॉलर देन रियल, और रियल से कि कैसी है, छोटी इमेज है। लेकिन होता क्या स्टूडेंट, अब क्या करते हैं, रेटिना के जो रॉड और कोन हैं वो लाइट के मैसेज से स्टिमुलेट हो जाते हैं और ये मैसेज ऑप्टिकल नर्व के जरिए ब्रेन में जाते हैं। ब्रेन इसको पहचानता है कि हाँ भाई भाई प्लांट है और इमेज को दोबारा सीधा कर देता है। क्योंकि ब्रेन में देखें आप प्लांट की तस्वीर देख रहे हैं जो कि सीधी बनी हुई है। ठीक है, इस तरह हमें कोई भी चीज़ रियल और सीधी नज़र आती है। डिफेक्ट्स ऑफ आई। ओके स्टूडेंट, डिफेक्ट्स ऑफ आई या आँखों के नुक्स या आँखों की बीमारियाँ, सबसे पहले शॉर्ट साइटनेस, लॉन्ग साइटनेस और कलर ब्लाइंडनेस। ओके स्टूडेंट, शॉर्ट साइटनेस एक ऐसी बीमारी होती है, इसमें दूर की चीज़ जो है दिखाई नहीं देती। ठीक है, होता क्या है, इसकी जो आई बॉल है लॉन्गर देन नॉर्मल, आई बॉल क्या होती है, लंबी हो जाती है नॉर्मल से, और फोकस पॉइंट जो है इन फ्रंट ऑफ रेटिना, और जो फोकस पॉइंट है वो रेटिना से क्या किससे पहले ही बन जाता है। दूसरी हमारा आई डिफेक्ट है लॉन्ग साइटनेस। स्टूडेंट इसमें क्या होता है, जिसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, इसमें दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं लेकिन करीब की चीज़ साफ और धुंधली दिखाई देती है। ठीक है, दूर की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं लेकिन करीब की चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो आई बॉल होता है वो स्मॉलर देन नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से क्या होता है, छोटा हो जाता है। इसमें क्या होता है, फोकस पॉइंट जो है बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे बनता है। थर्ड जो स्टैंड डिफेक्ट्स है वह है कलर ब्लाइंडनेस। एक्चुअली होता क्या है, ये नुक्स आमतौर पर वाइल्डनेस से विरसे में मिलता है। दो या दो से ज़्यादा रंगों में फ़र्क बच्चे नहीं कर पाते, कोई भी शख्स नहीं कर पाता, स्पेशली ग्रीन और रेड कलर में फ़र्क करना मुश्किल होता है। ये रेटिना, ये प्रॉब्लम जो है रेटिना के सेल्स में किसी भी खराबी की वजह से पैदा होती है। ओके स्टूडेंट, आज हमने अपने लेक्चर में पढ़ा कि सेंस ऑफ साइट का मेन ऑर्गन क्या था, आई। उसके बाद हमने इसमें स्टूडेंट्स क्या पढ़ा, आउटर लेयर के बारे में, आउटर लेयर के बारे में हमने बताया था कि आउटर लेयर जो है वो बहुत डेलिकेटेड होती है और इस ये वाइट पार्ट जो होता है वो इसका हिस्सा होता है जिसको स्कैलरा कहते हैं, और उसका आगे ट्रांसपेरेंट हिस्सा कॉर्निया कहलाता है। फिर स्टूडेंट्स हमने मिडल लेयर के बारे में पढ़ा था, मिडल लेयर को बताया था आपको कि मिडल लेयर में एक ओपेक डिस्क होती है जिसे आयरस कहते हैं, जो ब्लड कैपिलरीज पर मुश्तमिल होता है, और उसका सेंट्रल होल पार्ट जो होता है वो पीपल कहलाता है। उसके सामने हमें क्या मौजूद होता है, बिहाइंड द पीपल क्या होता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस मौजूद होता है। इसके बाद हमने स्टूडेंट्स बताया था इनर मोस्ट लेयर में हमने बताया था आपको कि ये रेटिना पे मुश्तमिल होता है, उसमें सेंसरी और रॉड सेल मौजूद होते हैं। इसके बाद हमने इसमें आपको बताया था कि इक्वेसुमर क्या होता है, ठीक है, लेंस ऑफ कॉर्निया का दरमियान में जो एक वाटरी लिक्विड होता है वो एक बस ह्यूमर कहलाता है। फिर मैंने आप ठीक है, इसके बाद मैंने विट्रस ह्यूमर के बारे में बताया था कि लेंस और रेटिना के बीच में जो चैम्बर होता है उसके अंदर जेल लाइक सब्सटेंस होता है, इसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर। फिर मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ इमेज के बारे में बताया था कि स्टूडेंट किस तरह इमेज बनती है। ठीक है, जो हम
रेटिना पे इमेज बनती है वो इन्वर्ट और स्मॉल होती है, लेकिन ब्रेन इसको स्टिमुलेट करके सीधा करके हमें दिखाता है। स्टूडेंट इसके बाद हमने आपको डिफेक्ट्स ऑफ आई पढ़ाए थे, शॉर्ट साइटनेस, लॉन्ग साइटनेस, कलर ब्लाइंडनेस। शॉर्ट साइटनेस में स्टूडेंट्स हमने आपको ये बताया था कि इसमें दूर की चीज़ दिखाई नहीं देती, ठीक है। लॉन्ग साइट, इसको मायोपिया भी कहते हैं, और लॉन्ग साइटनेस में स्टूडेंट्स हमने बताया था कि इसमें दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं लेकिन करीब की चीज़ वाजे और धुंधली होती है। स्टूडेंट इसके बाद हमने आपको कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताया था कि ये पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है बीमारी, और इसमें हम बच्चे दो कलर में फ़र्क कर नहीं कर सकते, स्पेशली रेड और ग्रीन। ये रेटिना में के खलियों में जो सेल में कुछ डिफेक्ट होता है, ख़राबी हो जाती है रेटिना के सेल में, इसकी वजह से होता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बात सुनो, इनर ध्यान में।